कल क्यों ना आए थे? अरे अरे अरे, सांस तो लेने दो मेरे बच्चे को। अरे माँ, करने दे लाड, ये नहीं करेगी तो और कौन करेगा, एक ही तो बहन है मेरी। अरे ना बिगाड़ इसे टेकचंद, कल को ससुराल जाएगी ना तो सौ सौ बातें सुनने को मिलेंगी। मैंने नहीं जाना ससुराल। हाय हाय, मैं ना रखती तुझे कमार को उठा बात करने को। हाँ तो मत रखे, मैं भैया के साथ कॉलेज चली जाऊंगी। क्यों भैया? हाँ ठीक कह रही है, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि हम इसके लिए एक घर जमाई ढूंढते हैं जो कि यहाँ कहीं पड़ा रहे सारा दिन, क्यों? ठीक है ना माँ? अरे अरे क्या हुआ? अरे प्रीत, सताते हो मेरी रानी बेटिया को। पायल आगन पिताजी। जीते रहो जवान बेटे, पाँव नहीं पड़ते गले मिलते। लेकिन पिताजी, मैं तो हमेशा आपके चरण ही छूंगा। अच्छा अच्छा, अब पिता और बेटे का मिलन हो गया हो तो कुछ अनपानी कर ले, अभी थका हुआ तो आया बेचारा। अरे हाँ पिताजी, वो गाड़ी में लड़का मिला, मलिक वाली के शाहूकार है उनका लड़का, बहुत ही सुशील लड़का है। बस माँ बस। अरे बेटा और लो ना, रंग तो देखो कैसा पीला फटक पड़ा है, पता नहीं कॉलेज में वहाँ पे हॉस्टल में क्या मिलता होगा। अरे माँ बहुत बढ़िया खाना मिलता है वहाँ पे। हे राम, अरे इसीलिए कहती थी कॉलेज में ना पढ़ाओ, देखो तो धर्म भी गया। हे राम राम राम। अरे तुम भी किस बदमाश की बातों में आ गई जानकी, अरे तुम्हें पागल बना रहा है। अच्छा भाई चंदू, ये बताओ वो शाहूकारों का लड़का तुम्हें कैसा लगा? बहुत भला, सूरत आदत इतनी प्यारी कि दिल मोह लिया, और फिर बात इतने स्वभाव से, मेरा तो जी चाह रहा था कि बस बातें ही करते चला जाऊं। ये बात? अरे काका सारे का सारा परिवार ही इतना अच्छा है। अच्छा? हाँ, उनकी बड़ी बेटी निर्मला जिसे प्यार से सारे निम्मो निम्मो कहते हैं, हाय इतनी सुशील और प्यारी है कि मैं क्या बताऊं। क्यों जानकी? हाँ हाँ, अरे वो तो मानो सीता का रूप है, ये बड़ी बड़ी आंखें, ये लंबे बाल और इतनी हसमुख। अरे एक रात क्या रह के गई, मुझे तो यूं लगा जैसे प्रीतो कहीं चली गई है। तो ये मुझे क्यों बता रहे हैं आप दोनों? नहीं नहीं, हम तो आपस में वैसे ही बात कर रहे थे कि किस्मत वालों को ही ऐसे रिश्ते मिलते हैं, ना कोई बचोला ना कोई बीच में कोई और बंदा, अंग्रेजों की तरह लड़का जाए लड़की को देखे और पसंद कर ले। अच्छा तो आप लोग शाहूकारों के घर रिश्ता डालना चाहते हैं? हाँ तो क्यों ना डालें भाई, अब तुम जवान हो गए हो, अब कल को प्रीतो ब्याह के चली जाएगी तो तुम्हारी माता जी तो अकेली रह जाएंगी, तो बहू तो आनी चाहिए ना घर में, क्यों जानकी? हाँ हाँ, अरे बहू तो होनी चाहिए, और बहू भी निर्मला से अच्छी कौन भला। जैसे आप दोनों की मर्जी, निभा तो आप लोग नहीं करना ना। अरे तो मैं कल मलिक वाल शगुन भिजवा दूं। अरे अब क्या सौ उठवाएगी बच्चे से, हाँ कह तो रहा है तो हाँ का मतलब है हाँ। बुलाओ राजे को, हलवाई को बुला कर लाए, एक मन देसी घी के लड्डू तैयार करे मोती चूर के, और हर लड्डू में 1 रुपया चांदी का डालकर बनाए। पास जा।